हाय नमस्कार, ओम साई राम। आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। तो गाइस, आज है लक्ष्मी पूजा, तो हम सब घर में तो हो घर में है, बोलने भी नहीं देते लोगों। तो आज है लक्ष्मी पूजा और यहाँ देखे मंडली, हाय बोल दे। वो नहीं बोलेगी, वो फोन में बीच पुष्पा का डायलॉग फेमस हो गया। तो गाइस, आज है लक्ष्मी पूजा, तो हम लोग कैसे पूजा करेंगे, क्या करेंगे, आप सबसे मैं शेयर करूंगी और वीडियो भी बनाऊंगी, तब तो शेयर करूंगी। मैं सारी वीडियो बनाऊंगी और मेरे हस्बैंड वो उपास हैं, मतलब क्या वो उनका पूरा व्रत किए हैं, तो वही पूजा में बैठने वाले हैं, तो वो व्रत किए हैं। हम लोग सब खा सकते हैं, अरवा चावल खाएंगे और बाकी जो भी है मैं आपसे शेयर करूंगी। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। और अभी बनने वाला है नारियल के लड्डू, तो मनीषा नारियल को रही है, मेरे को तो मतलब लेफ्ट हैंड से नहीं होता इसलिए मनीषा कर रही हूँ। बेचारे का बहुत मेहनत लग रहा है। और ये देखिए, मैं अभी नारियल को थोड़ा सा ब्राउन कलर होने तक भूनूंगी, उसके बाद गुड़ का चाशनी बना के फिर उसी में लड्डू बनाना है। तो पहले इसको मैं अच्छे से भून लूँगी और नारियल में कोई तेल वेल डालना नहीं है, डायरेक्ट नारियल डाल के ही भूनना है। और ये देखिए, मेरा नारियल हो गया थोड़ा सा ब्राउन कलर में और इधर मैं गुड़ का चाशनी बना रही हूँ। तो मैं ये सब कभी पहले नहीं की, क्योंकि हमेशा माँ ही लड्डू बनाती है, तो इस बार माँ के हाथ में प्रॉब्लम है तो मुझे ही बनाना पड़ रहा है। और मैं भगवान से प्रार्थना भी करती हूँ कि वो अच्छे से बन जाए। माँ ने बताया है कि किस तरह से उस चाशनी का कितना मतलब लेवल में होना चाहिए, कितना में लड्डू बनता है, वो चीज़ चेक करने के लिए। तो मैं देखिए, और ये मेरा लड्डू के लिए तैयार हो चुका है चाशनी, तो अभी मैं लड्डू भी बनाऊंगी। और ये देखो गाइस, मेरा लड्डू भी बहुत ही अच्छे से बन जा रहा है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छे से बन जाएगा। और थोड़ा सा गर्म है और इसे मैं गर्म गर्म में बना ले रही हूँ, क्योंकि मेरे को तो पता नहीं बाद में अगर ठंडा हो जाएगा तो होगा या नहीं, इसलिए मैं गर्म में बना ले रही हूँ। तो हाथ में भी बहुत गर्मी ही लग रहा है। और इंसान को अगर नहीं भी आता है तो कोशिश करना चाहिए, जैसे कि मैं कोशिश करती हूँ और मेरे से हमेशा बन ही जाता है, तो काम सीखना भी चाहिए, अच्छा ही है। लिया, इसको उड़िया में बोलते हैं लिया, लाई हिंदी में, लाई लाई हिंदी में, लाई। ये सब मैं फर्स्ट बार कर रही हूँ बाबा, डाउट भी है होगा या नहीं, इसको कहीं मिलाना है, इसका लड्डू बनाना नहीं। मम्मी बोले मैं इसको मिला के रखना है प्रसाद के लिए, अच्छा लगता है लड्डू बनाना नहीं। हम सब काम में बिजी हैं, तो इसको देखो, ये अपना काम में बिजी है, देखो देखो देखो। उस बेचारे को क्या पता कि घर में क्या हो रहा नहीं हो रहा, बस हम खाने होने से हुआ। बड़ा निहाल काम कर रही है, इलायची फूट रही है जो, इसको देखो इसको 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 हस्बैंड भी आ चुके हैं और पंडित भी आने वाला है, तो फटाफट में पूरी बनाकर तैयार होंगे। और मनीषा गई है उधर पूजा का प्रिपरेशन करने के लिए, किसी एक को तो उधर रहना पड़ेगा, इसीलिए मैं जितना हो रहा है मेरे से पूरी बना रही हूँ उधर, जिसके बाद फिर मैं भी तैयार हो जाऊंगी फटाफट। और गाइस, आप सब कैसे बना रहे हो लक्ष्मी पूजा, प्लीज हमें कमेंट्स में बताओगे।
और ये देखो गाइस, हस्बैंड पूरी तलने के लिए आ गए। एक्चुअली मैं हस्बैंड बोले कि जब तक पंडित नहीं आया है तब तक मैं पूरी तल दे रहा हूँ, फिर जब आएंगे तो मैं चले जाऊँगा। मैं बोली चलो कोई नहीं, थोड़ा सा हेल्प तो मिल जाएगा। और फिर हस्बैंड चले गए क्योंकि पंडित आ गए। चलो गाइस, काम तो कंप्लीट हो गया, हस्बैंड पूजा में बैठ चुके हैं और मैं भी जा रही हूँ, अभी तैयार होंगे। लेकिन उसका पहले मैं दिखा देती हूँ एक बार क्या क्या बनाई हूँ। ये है मेरा पूड़ी, दिख रहा है? और ये है मेरा आलू और बरबट्टी का सब्जी, ये है खीर और ये है चना का सब्जी। तो अभी मैं जा रही हूँ तैयार होने, बच्चे तैयार हो चुके हैं, सारा सामान को ढक देती हूँ। ओम दुर्गा देवी पंचामृत सार समर्पयामि नमस्तुते। शुद्धदकं समर्पयामि नमस्तुते। ओम ग्राम देवता कोटितमूर्ताय दशदिगो ओमधियाद सुदर्शन महाजन कोटि सूर्य समप्रभु अज्ञान दे मे देव विक्रमार सुदर्शाय। ओम एतिं दिश चक्रेण बधामि नमश्चक्राय स्वाहा। ओम अग्राय दिश चक्रेण बधामि नमश्चक्राय स्वाहा। ओम पाजं दिग चक्रेण बधामि नमश्चक्राय स्वाहा। नजिते दिश चक्रेण बधामि नमश्चक्राय स्वाहा। ओम व्रीणी दिश चक्रेण बधामि नमश्चक्राय स्वाहा। वायव्य दिश चक्रेण पुंत उद्धव बुझा। तो हम लोग का पूजा हो गया है कंप्लीट, अभी माँ को प्रसाद चढ़ रहा है। और देखिए ठीक टाइम में लाइट भी चले गया और अच्छा भी हुआ, पहले जितना भी बुक पढ़ना था उस वक्त लाइट था, अभी तो बुक का दरकार नहीं है तो डायरेक्ट प्रसाद चढ़ाना है खाली। और ये नियम है कि पूजा ख़त्म होने के बाद घर के जितने भी बड़े को पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। तो मैंने माँ का, पंडित जी का ले लिया था, बस हस्बैंड का बाकी था तो वो मैंने ले लिया है। और घर के सारे लोग प्रसाद खा चुके हैं, बस मैं और मनीषा बाकी थे तो हम दोनों बैठ के ही प्रसाद खा रहे हैं। और देखो गाइस छोटू सो गया है। तो यही था हमारा आज का वीडियो। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी अगली वीडियो जो आने वाली है उसे आप मिस ना करें।